ये एक बेघर कुत्ता है और ये अपने लिए घर की तलाश में ट्रैविस के दरवाजे तक आ गया है। शाम को ट्रैविस उस कुत्ते की वफादारी को परखने के लिए एक मांस के टुकड़े को रात भर के लिए घर के बाहर लटका देता है। अगर रात में इस कुत्ते ने इस मांस को खाने की कोशिश की तो ट्रैविस को मजबूरी में उस कुत्ते को मारना होगा। अगली सुबह जब ट्रैविस अपनी बंदूक लेकर बाहर आता है तो वो देखता है कि मांस अभी भी सुरक्षित लटका हुआ है। उस वफादार कुत्ते ने उस मांस को बिल्कुल चखा भी नहीं था, बल्कि उसने तो रात भर उसकी सुरक्षा भी की। ये देखकर ट्रैविस को उस कुत्ते पर विश्वास हो जाता है। दोपहर को बगीचे में ट्रैविस का छोटा भाई अनजाने में भालू के छोटे बच्चे को पकड़ लेता है और उसके साथ खेलने लगता है, लेकिन तभी छोटे भालू के चिल्लाने की आवाज से उस भालू के बच्चे की माँ तेजी से उनकी ओर आने लगती है। लेकिन तभी वो बेघर कुत्ता अपने मालिक को बचाने के लिए उस बड़े भालू से लड़ने लग जाता है। हालांकि उस भालू का आकार उससे काफी बड़ा था, फिर भी वो बिना डरे उसका सामना कर रहा था। भालू ने भी कभी इस तरह के बहादुर और निडर विरोधी का सामना नहीं किया था, इसलिए वो भी चुपचाप वहाँ से भाग जाता है। ट्रैविस इस कुत्ते की वफादारी से खुश हो जाता है और उसे अपने परिवार के रूप में अपना लेता है।